मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ओट्स का हेल्दी और यम्मी सा नाश्ता अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस नाश्ते को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। यह है ओट्स का हेल्दी नाश्ता जो आपको वेट लॉस करने में बहुत मदद करेगा हेलो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब मैं हूं रश्मि और आप मेरे साथ देख रहे हैं जायका रसोई दोस्तों ओट्स तो आपने कई तरीके से बनाकर खाए होंगे लेकिन इस तरीके से शायद ही बनाकर खाए होंगे तो आज हम बना रहे हैं ओट्स का पोहा ये हेल्दी तो होता ही है साथ ही में टेस्टी भी बड़ा लगता है तो क्यों ना हम टेस्टी तरीके से अपना वेट भी लूज कर लें तो यहाँ पर हमने लिया है एक स्कूप ओट्स भरकर और हमने लिए हैं यहाँ पर थोड़े से पीनट ये मसाला पीनट्स हैं जो मसाले से कोट होते हैं वो वाले आप चाहे तो प्लेन भी ले सकते हैं मेरे पास इस वक्त यही थे तो मैंने फिर यही ले लिए और एक मीडियम साइज की प्याज मैंने चॉप कर ली है एक मीडियम साइज का टमाटर भी चॉप कर लिया है दो हरी मिर्च उनको भी चॉप कर लिया है और एक स्टिक लिया है मैंने करी पत्ता ये करी पत्ता कमाल की खुशबू देता है पोहे में और यहाँ पर एक स्पून डाल लिया है मैंने ऑयल ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे ये मस्टर्ड ऑयल है मस्टर्ड ऑयल की जगह आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो फिर आप मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करें क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा होता है तो यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका था तो इसमें हमने डाल दिया है एक स्पून राई राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स हैं ये मोटी वाली राई जिसे कहते हैं और जब वो थोड़ी चटक गई है तो हमने इसमें डाल दिया है करी पत्ता करी पत्ते को हल्का सा चलाएंगे और बस फिर हम इसमें डाल देंगे जो कटी हुई प्याज है वो डाल देंगे और उसको डालकर हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को हमें बस हल्का सा कलर चेंज होने तक ही इसमें फ्राई करना है उससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना बस सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तो ये देखिए सॉफ्ट हो गई है कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है पिंक कलर आ गया है तो अब इसमें डाल देते हैं हम हाफ स्पून हल्दी पाउडर और डाल देते हैं इसमें नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और बस इन चीज़ों को डालकर हम इनको अच्छे से चला लेते हैं इसको हल्का सा भून लेते हैं फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्लो रखी है क्योंकि और यहाँ पर डाल देते हैं हरी मिर्च जो हमने काट करके रखी हैं और इसको भी डालकर अच्छे से चला लेते हैं तब तक थोड़ा सा भूनेंगे हम जब तक थोड़ी सी हल्दी की कच्चीपन की स्मेल दूर ना हो जाए बस जलने से पहले हमें इसमें डाल देने हैं टमाटर टमाटर डालकर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे पानी का यूज़ हमें इसमें बिल्कुल नहीं करना है अभी क्योंकि मसाले जो हमारे हैं ज़्यादा मसाले भी नहीं डालना होते इसमें जो भी मसाले हैं हल्दी नमक ये चीज़ें हमारा जो टमाटर है उसी से ही भून जाएंगी तो बस टमाटर डाल के हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है और बहुत अच्छे से भून गई है खुशबू भी आने लगी है तो हमने डाल दिया है इसमें ओट्स ओट्स को हम पोहे की तरह धोएंगे नहीं ना ही भिगोएंगे बस इसी तरह से सूखा ही इसमें यूज़ करेंगे और ओट्स डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे तो ये लीजिए ओट्स डालकर भी मिक्स हो गया है और अब लास्ट में डाल देते हैं इसमें हम पीनट जो मसाला पीनट्स मैंने लिए हैं उनको डाल देते हैं और उनको डालकर भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसमें अब बस एक काम करना है थोड़ा सा पानी इस तरह से हाथ में लेके स्प्रिंकल कर देंगे ये प्रोसेस हमें दो बार करना है इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना बस इतना सा पानी हमें इसमें स्प्रिंकल करना है और फिर स्लो फ्लेम पर हम इसको दो मिनट के लिए पकने देंगे तो ये देखिए दो मिनट हो गए हैं और जो हमारा पोहा था ओट्स का पोहा सॉफ्ट भी हो गया है और खिला खिला भी है तो अब इसको हम एक बार फिर से मिक्स कर देते हैं चला देते हैं ताकि पूरी तरह से अच्छे से ये मिक्स हो जाए और कहीं पर हार्ड और कहीं पर सॉफ्ट ना रहे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है और ये आप देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है ये सॉफ्ट भी है और थोड़ा थोड़ा क्रंची भी है तो ये खाने में और ज़्यादा मज़ा देता है तो गैस यहाँ पर हमने कर दी है बंद और अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं इसमें आधे नींबू का रस नींबू का रस तभी डालें जब गैस की फ्लेम को बंद कर दें तो यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर चुकी हूँ और तब इसमें मैंने नींबू डाला है नींबू डालकर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और बस हमारा जो ओट्स पोहा था वो बनकर रेडी हो गया है अब इसको हम कर लेते हैं सर्व तो चलिए देख लीजिए आप खुद ही देख रहे हैं कितना ज़्यादा खिला खिला बना है पोहा हमारा और यकीन मानिए खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी ये हो गया मेरा आज का ब्रेकफास्ट वेट लॉस ब्रेकफास्ट इसके साथ मैं बता दूँ मैंने इसके साथ क्या लिया है सुबह का जो ब्रेकफास्ट आप करेंगे अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप ओट्स का पोहा बनाएं और उसके साथ मैंने ली है स्मूदी स्मूदी की रेसिपी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं तो ये हो गया आपका टोटली वेट लॉस हेल्दी नाश्ता जिसे आप रोज़ अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा ही कुछ भी खा लें उठाकर अपने खाने को बनाएं टेस्टी इस तरह से बनाकर खाएं आप अपना नाश्ता तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एक बार ज़रूर बनाइए ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा ये कितना टेस्टी है तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी रेसिपी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलती हूँ मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़